भाई सुबह सुबह एंजॉयमेंट ले रहा है ना पड़ता भाई। चलो हैप्पी हैप्पी बर्थडे। हम पूरे ड्रेसअप क्यों होते सड़क पे राइड कर रहे हो? यू गेट ड्रेस फॉर्मेशन लीडर साहब आपके कोई कमेंट्स फट से लीडर साहब आज हम वाली कमेंट्स प्लीज बोट राइड का आनंद लेते हुए नरेंद्र भाई आए हैं अभी नरेंद्र भाई तो भाई सुबह सुबह का टाइम और दीपक कहाँ जा रहे हैं भाई आज हम? आज हम जा रहे हैं टीवीएस के टीवीएस वालों के साथ राइड पे। सो एक राइड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग, जो राइड स्टार्ट होगी बिनसर शोरूम में टीवीएस बिनसर जो जो भी उन्होंने जिन को बुलाया सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे सारे इकट्ठे होके। अभी मॉर्निंग बज रहे हैं 6:30 सो हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो रेडी है बिल्कुल दीपक बिल्कुल रेडी है। सो एक्साइटेड है पहुँच लेने के लिए? यस सो एक्साइटेड हूँ और चल रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट राइड है किसी के साथ। हाँ हमारी फर्स्ट राइड है तो टीवीएस हमने इसलिए सोचा चलो ज्वाइन कर लेते हैं और अच्छा लगा तो आगे। और संडे का दिन है वैसे भी है ना संडे का तो मॉर्निंग में अपने ठंड ठंड में आराम चलेंगे। तो उन्होंने 7 बजे का हमें टारगेट दिया कि 7 बजे तक आप आ जाना यहाँ पे। हम 7 बजे पहुँच जाएंगे तो अभी 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा है बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम यहाँ से। ठीक है अब आगे मिलते हैं आपको ऑन द रोड। चलिए फिर आगे मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग अच्छा करो तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ में ब्लॉग। चलिए फिर आगे रोड पर मिलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं आज? आज वही जा रहे हैं राइड करने टीवीएस में। तो टीवीएस वालों ने हमें इनवाइट किया है तो ऑफिशियल राइड है तो वही जा रहे हैं हम लोग। और राइड स्टार्ट होगी बाबरपुर टीवीएस से टीवीएस विंसर से। आज सबके पास टीवीएस की बाइक रहेगी अपाची ओनली अपाची एंड रोनिन बाइक। रोनिन टीवीएस के साथ पूरी राइड रहेगी कंटिन्यू। सो चलते और दिखाते हैं आगे। बने रहिए हमारे साथ तो बने रहना पूरे ब्लॉक के अंदर। तो आप जाके सीधा वहीं पे दिखाएंगे आपको बिनसर मोटर में जैसे पहुंचाएंगे एंड वहां से ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे तो बने रहेगा बने रहिए और हमें देखते रहिए। तो ये आ गए हम फाइनली हम पहुंच गए कहां पे बिनसर शोरूम पहुंच गए। बिनसर शोरूम पहुंच गए और राइड करने आ रहे हैं कहां पे बिनसर शोरूम के अंदर। और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिनसर शोरूम वाले कर रहे हैं और ये अपने भाई साहब देख रहे हैं नरेंद्र भाई। हेलो। तो कैसे भाई? बहुत बढ़िया। तो भाई कभी भी बाइक लेनी हो टीवीएस की तो बिनसर शोरूम में आओ, ये पड़ता है बाबरपुर में और नरेंद्र भाई मिलेंगे और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं बंदों को और आपको बाइक फाइनेंस और कैश में प्रोवाइड करा देंगे हर एक चीज़ यहाँ पर। तो भाई से ज़रूर मिलना। ये है भाई। तो दीपक भाई सुबह सुबह एंजॉयमेंट ले रहे हैं भाई। तो भाई मॉर्निंग आते ही भाई सैंडविच एंड जूस मिल गया है जिसे हम खाने वाले हैं। दीपक भाई इंसानों का बर्थडे तो हमने बहुत बार मनाते देखा है ना, आज बाइक का बर्थडे मना रहे हैं। राज सर की बाइक का बर्थडे है सो कंग्रेचुलेशन फॉर योर बाइक, 1 साल हो गया। चलो उस टाइम में निकलने वाले हैं सारे सारे तो नहीं आए बट कुछ लोग आ गए हैं 10-12 लोग आ गए हैं। उनका भी धन्यवाद है जो जो सो रहे हैं जिन्होंने। शुभम चोपड़ा है और मैं आपका दिल्ली एओजी को एडमिन है एक
जो आपने लिखा होगा पोस्ट पर, उनका नाम है अशोक, नॉर्थ इंडिया गेट में ए ओ जी का क्वेट। मेरा नाम शुभम है और बेसिक सा रूल है राइड के, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी लग चुका है। तो छोटे से रूल हैं सड़क पर चलने के लिए, क्योंकि अकेले चलना और बहुत जल्दी जल्दी जाना तो डिफरेंट चीज़ है, बट ग्रुप पर राइड करना डिफरेंट चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ कि कुछ फॉर्मेशन है जो हम फॉलो करते हैं सड़क पर चलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं चलोगे, फॉर्मेशन फॉलो नहीं करोगे, क्रैशेस की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाएंगी। आप एक दूसरे में टक्कर लग सकती है, ब्रेकिंग नहीं आई सही, आप जो भी बाइक चला रहे हो आई थिंक अपाचे और हमें, वो कुछ सफिशेंटली 6 से 7 फीट के अंदर सफिशेंट होती है वो 60 की स्पीड को जीरो तक लाने। तो एटलीस्ट जब भी एक के पीछे चलना कोशिश करना 6 से 7 फीट का गैप रखना, इससे ज़्यादा नहीं। जब हम स्पीड ज़्यादा करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, आपको इशारा करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड से सेट कर लेना उस स्पीड को अप्रॉक्स 10 फीट या 11 फीट कर लेना। जब हम 60 के ऊपर जाएंगे स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड ब्रेक लगेगी, तो डिस्टेंस होना चाहिए ब्रेकिंग का। फर्स्ट चीज़, छोटी सी चीज़ है, जब हम सिंगल फॉर्मेशन का इशारा करेंगे ऑलवेज लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड ब्रेकिंग पे होता है, ये ब्रेक पे होता है, तो लेफ्ट हैंड हमारा फ्री होता है, तो सारे फॉर्मेशन हम लेफ्ट हैंड से फॉलो करेंगे। सिंगल पॉइंट मीन्स टू से एक के पीछे सिंगल लाइन, दिस मीन्स डबल पॉइंट, दो कतार में, लेकिन हमें डबल की ज़रूरत है नहीं, लोग ज़्यादा नहीं सिंगल ही चलता है। और दिस मीन्स टू से कि स्लो डाउन, अगर आपको ऐसा इशारा किया जाएगा आगे से तो स्लो डाउन, और आपको वन बाय वन पीछे तक करना है लास्ट वाले का स्लो डाउन। स्लो डाउन शायद मैं, मेरे को अगर देख रहे हो तो शायद मैं ऐसे भी कर दूंगा, ये लोग समझ जाएंगे अगर मैंने ऐसे नहीं किया स्लो डाउन है। कभी कभी हाथ इतना ऊंचा मैं नहीं उठा पाता, मुझे क्लच पकड़ना है, तो वो रहता है स्लो डाउन। और अगर हम स्लो डाउन के साथ उठी बंद करेंगे तो ये है स्टॉप, डायरेक्टली स्टॉप कोई नहीं करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो डाउन देन स्टॉप। छोटी सी चीज़ें हैं, दो तीन हैं, लेफ्ट मुड़ना है अगर हमें तो सिंगल टैप एक बार लेफ्ट टर्न, डबल टैप राइट टर्न, 5 सिग्नल हैं, बहुत इजीली फॉलो करने हैं। सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, स्लो डाउन के साथ स्टॉप, लेफ्ट राइट राइट, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बेसिक थिंग है आपके लिए, इतना बहुत है। और हमारा कुछ राइडिंग का टाइम रहेगा कुछ आधा एक घंटा सपोज, हो जाएंगे बहुत स्पीड में नहीं जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 35 किलोमीटर डिस्टेंस है, 35 से 40 कम है बीच में बढ़ेगा, है ना। और डन चलते बड़ा, अपने हेलमेट्स के टायर नीचे टाइट कर लेना, यूज ना हो हेलमेट लगाना, ये भी रखते हैं, बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। हम पूरे ड्रेसअप में होते हैं सड़क पे राइड कर रहे होते फॉर्मेशन, हम लोगों को नहीं देखते, लोग हमें देखते हैं, लोग रुक रुक के हमारे से वीडियोस शूट करें तो साथ साथ चल गए, वो बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट खुद के लगता है, हम अच्छे लगते हैं, अच्छा फील आता है। तो जब आप मैं कुछ आगे बढ़ेंगे फ्यूचर और राइज करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो 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 बाय, हम लोग निकलने वाले हैं राइड पे, सारे रेडी हो रहे हैं, सारे राइडर जितने भी हैं यहाँ पे, तो सबको बाय बाय करते हैं, उसके बाद मैं निकलूँगा फिर।
कहाँ पहुँच गए फाइनली? हम पहुँच गए छोटी गंगा। और ये मिस्टर टीका। सो फाइनली छोटी गंगा पहुँच गए सारे। छोटी गंगा पहुँच गए, पहली राइड है हमारी ये। मतलब बहुत छोटी सी राइड थी भाई सारे ये रे। सो फाइनली पहुँच गए छोटा हरिद्वार जो पड़ता है मुरादनगर में, और उस राइड जो स्टार्ट हुई थी बाबरपुर से एंड छोटा हरिद्वार मुरादनगर के लिए। तो भाई छोटी गंगा फाइनली पहुंच चुके हम लोग हैं जितेंद्र भाई। तो राइड कैसी रही? बढ़िया रही। राइड बढ़िया रही ना। दीपक कैसी रही भाई? जबरदस्त। दीपक तुम्हारा पिलियन था? मैं तो पिलियन था। है ना। तो राइड बढ़िया रही ना? बहुत बढ़िया थी। ये देख लो भाई यहाँ के नज़ारे। तो इसको बोलते भाई छोटी गंगा। अभी घाट भी मैंने दिखाया था नज़ारे। ये हरिद्वार से सीधा गंगा इधर आ रही है। अच्छा, हरिद्वार से सीधा यहाँ आ रही है। ये भाई छोटी गंगा ये देख लो। चल रहे भाई बोट राइड लेने के लिए भाई। राम से लेना गड्ढा उड्डा। तू भी एक ही बोट राइड लेने वाला? ये मिस्टर टीका भी है बोट राइड लेने के लिए। चंद्र भाई Yes, sir. आ गए बोट राइड लेने के लिए? हाँ जी। तो सारे भाई भाई पहुंच चुके छोटी गंगा में ना, मुरादनगर में पड़ता है ये छोटा हरिद्वार। तो जितेंद्र भाई है और ये भाई क्या नाम है आपका? फैजान भाई है। और ये अपना टीम लीडर नरेंद्र भाई। तो भाई पूरे सब बैठ गए बोट में। बोट राइड स्टार्ट। अरे चल दी भाई बोट। लीडर साहब आपके कोई कमेंट्स? प्लीज बोट राइड का आनंद लेते हुए नरेंद्र भाई हैं। नरेंद्र भाई और ये शर्माते हुए कुछ बोलने वाले। ठेली लगी हुई छोले भटूरे खाने बिल्कुल नीचे देख लेगा बंदा एकदम से निकल। उधर से दूसरा आएगा अभी। ये पानी भी है साथ में। छोले भटूरे नहीं मोहम्मद पहले छोले भटूरे खिलाएगा तुम्हें। नाश्ता करने सो हम लोग पहुंच गए। नाश्ता करने के लिए अंदर जा रहे हैं। हमारे लिए स्पेशल अलग से बना हुआ है पूरा खाली करके बताओ। एसी रूम ओनली हम लोग ही हैं यहाँ पे। चाय नहीं पियेंगे उसके बाद चाय पियेंगे। आगे बताते रहेंगे क्या करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? समक्ष भाई हमारे साथ राइड पे मिले तो ये आगे राइड पे। और ये हमारे अमित पटवाल ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब करते जाना। तो ये हमारे जितेंद्र भाई जो नाश्ता पानी पूरा हो गया प्रॉपर ना? प्रॉपर हो गया। मस्त मजा आ गया। बहुत मज़ा आ गया भाई। तेरा मुँह नहीं रहा देख। हाँ तो स्मार्ट लग रहा हूँ ना। चल ठीक है मैन। तो भैया वापस घर जाने का टाइम हो गया ना दीपक? वो डंडा मांगे तेरा बैग में रखा। तो वापस घर जाने का टाइम हो गया भाई। पूरी राइड वाइड हो गई है, बोट राइड हो गई है, खाना नाश्ता पानी सब हो गया है। चलो थैंक यू।
जितेंद्र चलो भाई आगे रहना पीछे मत रहना। भाई फाइनली आ गए घर। तो दीपक कैसा लगा? मज़ा तो आया लेकिन थकावट बहुत हो गई ना। थकावट बहुत हो गई, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है भाई। राइड में पता चल रहा है गर्मी कितनी लगती है, थकावट भी बहुत ज़्यादा। गोरा था सुबह, काला हो गया अभी। क्या 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 सुबह गोरा निकला था अभी। चैनल पे नहीं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मिलता आपको नई जगह नई लोकेशन पे। टिल देन सी बाय। टाटा टाटा, टेक केयर, बाय। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में सी यू।